गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश शरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेरी वेल एंड सारे लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हो सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो आज अपन लोग चैप्टर 4 का पार्ट 4 डिस्कस करने वाला है, ठीक है। पार्ट 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, पार्ट 4 में देखते हैं क्या। पार्ट 4 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इंटीग्रेटेड, आप लोग के एनसीईआरटी में यही वर्ड लिखा गया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता क्या है बच्चों, तुम लोगों को क्लास 12th के चैप्टर 4 में दो डेरिवेशन पढ़ने हैं, दो प्रकार का, दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। कौन कौन सा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों का डेरिवेशन पढ़ना है, दोनों का फॉर्मूला दो दो डिराइव करना है, एक रेट का और एक हाफ लाइफ का। दोनों के ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है और दोनों के एग्जांपल्स कि कौन सा रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्ट होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, और कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसको बोलते हैं? ये वर्ड जो है तुम लोग को इंटीग्रेशन से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा होगा। जो वर्ड है इंटीग्रेटेड, ये आपको इंटीग्रेशन से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा होगा, है ना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसको बोलते हैं? वैसा इक्वेशन चाहे वो जीरो ऑर्डर का हो या फर्स्ट ऑर्डर या कोई भी एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, जिसका डेरिवेशन हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करके करते हैं, उसको अपन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा रेट लो एक्सप्रेशन। क्या पढ़ रखा? रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता था? रेट इज इक्वल टू के इंटू कोई भी कंसंट्रेशन होता था, मान लो ए रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट, उसका पावर एम। इसी को हम लोग रेट लो एक्सप्रेशन बोलते हैं। वैसा कोई भी फॉर्मूला, वैसा कोई भी इक्वेशन जिसमें रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन का पावर कुछ दिया हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट लो एक्सप्रेशन बोलते हैं ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे? अगर एम का वैल्यू जीरो है। एम का वैल्यू क्या है? जीरो। मतलब अगर कंसंट्रेशन का पावर जीरो है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ, और अगर कंसंट्रेशन का पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, कंसंट्रेशन का पावर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। ये सारे कंसेप्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो हम लोग डेरिवेशन किसका कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। मान लो कोई एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें R रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। कंसिडर अ वेरी स्मॉल सिंपल रिएक्शन इन विच R गिव्स P। रिएक्टेंट क्या दे रहा है? P प्रोडक्ट दे रहा है ना। और मान लेते हैं चूँकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका कंसंट्रेशन का पावर जीरो। किसका? रिएक्टेंट का पावर जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम डेफिनेशन बोलना चाहें तो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ ऑडियो से ही लिख लेना ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन, दैट रिएक्शन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। वैसा रिएक्शन जिसमें रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के कौन से पावर का? जीरोथ पावर। उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन का नाम क्या था? आर गिव्स पी। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट का पावर जीरो का, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो कॉन्स्टेंट आता था जिसको रेट कॉन्स्टेंट बोलते थे। हम लोगों को पता है कि किसी भी नंबर का पावर जीरो का वैल्यू वन होता है, तो के इंटू वन के ही हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? के। हम लोगों ने लेक्चर 1 में ही पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का रेट क्या होता है? डी सी बटा डी टी। क्या होता है? डी सी बटा डी टी। डी सी बटा डी टी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टाइम, या डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, रेट है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन। यही पढ़े थे, डी सी बटा डी टी या डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि अगर हम लोग रिएक्टेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? रिएक्टेंट, तो उसका रेट के आगे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि वो डिसअपियर होता है, उसका कंसंट्रेशन हमेशा कम होता जाता है। और अगर प्रोडक्ट है तो उसके आगे हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो रेट के जगह क्या डी आर बटा डी टी क्यों लिखा? क्योंकि रेट का फॉर्मूला ही होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टाइम, और कंसंट्रेशन क्या हम लोग मान के चल रहे हैं? आर इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस डी आर बराबर के डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डी आर बराबर के डी टी। ये वाला माइनस इधर ले आओ तो डी आर बराबर माइनस के डी टी हो जाएगा, ठीक है सर। अब ध्यान दो, जब भी हम लोगों के पास डी एक्स आ जाता है तो डी एक्स से एक्स कैसे बना सकते हैं? इंटीग्रेट करके। कैसे सर? इंटीग्रेट करके। सर समझ में नहीं आया। अरे पगले, जब एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो डी एक्स लिखते थे? हाँ,
मतलब x का डिफरेंशिएशन dx होता है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का यह एक स्टेप छूट गया है, साइन दे दो इंटीग्रेशन का इस तरीके से, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, है ना, एस की तरह होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स होता है, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आर, के कॉन्स्टेंट है बाहर। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अरे जिस प्रकार टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स होता है, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई होता है, ठीक उल्टा भी होता है, मतलब डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या लिखा, माइनस के तो बाहर रख गया, डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ गया, टी, तो माइनस के टी, प्लस लास्ट में एक हम लोग डालते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर ये समझ में नहीं आया बच्चों, यहाँ मैथ का फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप लोग चुपचाप अभी बस समझ लीजिए कि ऐसा हो रहा है तो हो रहा है। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन पता है तो आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व करता है, अगर नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो हमारे पास क्या आ रखा है, हमारे पास आ रखा है डी आर बराबर माइनस ऑफ के डी टी, हमने लिखा दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और माइनस के डी टी, माइनस के को बाहर भेज दिया, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और लास्ट में जब भी हम लोग इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्लस आई, जहाँ पर आई को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू तुमको निकालना पड़ता है। तो अब हम लोग आई का वैल्यू निकालते हैं, आई का वैल्यू हमेशा कब, कॉन्स्टेंट का वैल्यू कब निकलता है, जब जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू जीरो ले लो, क्या ले लो, जीरो। तो यहाँ वेरिएबल टी है, तो जब टाइम का वैल्यू जीरो है, टाइम का वैल्यू क्या है जी, देखो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई आ गया, हाँ सर, आई का वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, आई क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, आई का वैल्यू तभी निकलता है जब टी का वैल्यू जीरो लेते, तो एट टाइम बराबर जीरो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू जीरो प्लस आई, तो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, लेकिन हम लोग आई इज इक्वल टू आर को ना लिख करके आर नॉट लिखते हैं। क्यों आर नॉट लिखते हैं, देखो आर का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, आर नॉट ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है वो टाइम बराबर जीरो पर है, टाइम बराबर जीरो पर है, देखो फिर से बता रहे हैं, जब टाइम का वैल्यू मैंने यहाँ जीरो पुट किया, क्या पुट किया, जीरो, तो ये पूरा चीज़ जीरो हो गया, तो i का वैल्यू r आ गया, r ना लिख करके हम लोग r नॉट लिखेंगे क्योंकि ये टाइम बराबर जीरो पर वैल्यू आया, ठीक है। तो टाइम बराबर जीरो पे i का वैल्यू क्या आ गया, r नॉट आ गया, i का वैल्यू r नॉट आ गया, यहाँ पुट करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस i की जगह क्या पुट कर दिया, r नॉट, है ना, इस माइनस के टी को इधर ले आओ, तो ये के टी हो जाएगा, इसको इधर ही रखो, r नॉट ये वाला इधर ले आओ, तो माइनस आर ये हो जाएगा, बस बस डेरिवेशन हो गया, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इज जो लाया मैंने एक्सप्रेशन वो डायरेक्टली यहाँ लिख दिया, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। अब देखो यहाँ से हमें हमेशा निकालना रहता है टी, मतलब टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर, जो मल्टीप्लाई में था टाइम वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, बुक में कभी कभी क्या किया रहता है, टी ना निकाल करके के निकालो, तो तुम दोनों एक्सप्रेशन निकाल सकते, अगर के को लिखना तो के को यहाँ ले आओ और टी को यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बटा टी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या टाइम है, टाइम टेकन किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सर टाइम टेकन क्या, टाइम टेकन टू कम्प्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कम्प्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या होता है, आर नॉट क्या है, आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तब जो कंसंट्रेशन होता है, या आर नॉट कब आया था, जब टाइम का वैल्यू जीरो लिए थे, टाइम का वैल्यू जीरो का मतलब रिएक्शन शुरुआत नहीं हुआ है ना, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो टाइम का वैल्यू क्या आ गया, आर नॉट माइनस आर बटा के, या के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बटा टी। फिर से एक बार डेरिवेशन देखते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन सीबीएसई और जैक बोर्ड दोनों में पूछा गया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों आप लोगों को रट जाना है, क्या डेरिवेशन, ग्राफ और एग्जांपल, ठीक है। हमने क्या लिया, एक रिएक्शन लिया, आर गिव्स प्रोडक्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ही है या डेफिनेशन ही है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिख दिया।
प्रोपोर्शनल को हटाया, कांस्टेंट लाया के, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग रेट के जगह फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डी सी बटा डी टी। तो यहाँ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का आर माना गया तो माइनस डी आर बटा डी टी हो गया, माइनस क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी हो गया, ये वाला माइनस को इधर ले आया तो के आर बराबर, तो डी आर बराबर माइनस के डी टी हो गया। जब भी डी टी डी टी या डी एक्स या डी आर या डी वाई आ जाए तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स किया। तो जब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स किया तो डी आर का वैल्यू क्या आ गया, आर आ गया, और माइनस के कांस्टेंट था, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, और लास्ट में जब भी सॉल्व हो जाता है तो हम लोग आई लिखते हैं। आई का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। फिर हम लोग को आई का वैल्यू निकालना रहता है टाइम जीरो पुट करके, तो हम लोग आई का वैल्यू निकाल रहे कब, जब टाइम का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, टाइम का वैल्यू जीरो पुट कर दिया तो के इंटू जीरो जीरो पूरा हो गया, तो आई का वैल्यू क्या आ गया आर, लेकिन आर नहीं लिखते, आर नॉट लिखते, क्योंकि टाइम बराबर जीरो पर इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब आर जीरो, जीरो का मतलब जीरो समय पर जब रिएक्शन शुरुआत नहीं हुआ तब कंसंट्रेशन। तो आर नेट को क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, केमिस्ट्री का लैंग्वेज में, इनिशियल कंसंट्रेशन, और अगर आर हो गया सिर्फ तो फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आई का वैल्यू हमारा क्या आ गया, आर नॉट आ गया था, आई का वैल्यू आ गया था आर नॉट, आई का वैल्यू आ गया था आर नॉट, यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस आर नॉट, इस के टी को इधर ले आओ प्लस कर दो तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर, ठीक है। के का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर बटा टी, और अगर टाइम को लिखना है तो क्या लिखोगे, आर नॉट माइनस आर बटा के, बस यही डेरिवेशन है ना। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब जहाँ पर क्या क्या मीनिंग है सबका ये देख लो, टी का मतलब टाइम टेकन है, के का मतलब रेट कांस्टेंट है, आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, वो गाढ़ापन रिएक्टेंट का जब रिएक्शन शुरुआत नहीं हुआ है, और आर का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू टाइम टेकन, आर इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन, आर नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। अब आते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होता है ना, जैक बोर्ड 2017 में और 2019 में डायरेक्टली पूछ लिया गया था, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग हाफ लाइफ का डेफिनेशन समझिए। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि किसी भी, अच्छा अगर किसी आदमी का बोला जाए कि कोई आदमी जो है मान लो अगर 70 साल जीता है, 70 साल एवरेज औसतन कोई आदमी जीता है, तो उसका हाफ लाइफ क्या हो गया, 35 साल, मतलब वो अपना ज़िंदगी का आधा समय 35 साल में ख़त्म कर लेगा। ठीक उसी प्रकार काम आता है रिएक्शन का, रिएक्शन का हाफ लाइफ बतलाता है कि वो रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। किसी भी रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी टेकन एज हाफ लाइफ, द टोटल टाइम टेकन बाई अ रिएक्शन फॉर इट्स 50% कंप्लीशन, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा उसी को हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। टाइम को तो टी से डिनोट करते थे लेकिन हाफ लाइफ को टी और 1/2 लिखते हैं, टी और उसके नीचे क्या लिखते हैं 1/2, 1/2 मतलब का आधा टाइम, मतलब हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ का डेफिनेशन लिखा हुआ है टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन या टोटल टाइम टेकन टू रीच फाइनल कंसंट्रेशन हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसा भी बोल सकते हैं कि शुरू में रिएक्शन ये 100 मोल पर लीटर था, ये लड्डू था, अब ये क्या हो गया 50 कम हो गया, तो ये 50 कम हो गया तो ये 50 बनेगा, तो रिएक्शन 100 से 50 में आ गया, मतलब हाफ कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है हाफ लाइफ को, द टोटल टाइम टेकन टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब वो समय जिसमें फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाए, फाइनल कंसंट्रेशन 50 जो है वो शुरुआती कंसंट्रेशन 100 का आधा हो गया, है ना। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, देखो समझाता हूँ। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, हमारे पास एक्सप्रेशन है टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बटा के, ठीक है। हमें टी के जगह क्या पुट करना है, टी हाफ पुट करना है, मतलब हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है। हाफ लाइफ में क्या हो जाता है, आर का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, आर नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ तब होता है जब आर का वैल्यू आर नॉट बटा टू हो जाता है, मतलब जब भी फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाएगा। तो अगर हम टी के जगह टी 1/2 लिख रहे हैं, हाफ लाइफ लिख रहे हैं, आर नॉट तो सेम रहेगा,
आर के जगह हम लोग को आर नॉट बटा टू पुट करने का, ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ में आर का वैल्यू आर नॉट बटा टू हो जाता है, बटा के हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो बच्चा, टू आर नॉट में आर नॉट चला गया तो आर नॉट बटा टू बचेगा। तो हम लोग क्या हम लोग क्या लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बटा टू बचेगा, है ना, आर नॉट में आर नॉट बटा टू घटा दिए थे और नीचे वन बटा के था, तो इसको और अच्छी तरीके से साथ में लिखना रहे तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बटा टू के हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, दो फॉर्मूला रट लो, दिमाग में लिख लो, दिल में लिख लो, जहाँ लिखना है हाथ में लिखना है लिख लो, छाप लो गजनी टाइप में, कि आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट माइनस आर बटा के। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, आर के जगह आर नॉट पुट करके क्या आ जाता था, आर नॉट बाई टू पुट करके आर नॉट बटा टू के। मैंने दिखाया कैसे आता है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना, टी पता है तो के भी आ जाएगा, के को यहाँ डाल देना, टी को यहाँ डाल देना। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है ना, मतलब कौन से रिएक्शन जो होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिए जाते हैं। तो एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दो याद रखना, दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक में अपन अमोनिया को तोड़ते हैं किस कौन से प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और एक में हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ते हैं गोल्ड प्लेटिनम के, मतलब गोल्ड के, गोल्ड जो है कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली दोनों सीबीएसई जैक बोर्ड में पूछ लिया गया है। डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ, या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट मतलब के, या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम तो मतलब टी, या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ मतलब टी हाफ। तो तीनों डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। टी क्या होता है, टी होता है आर नॉट माइनस आर बटा के, के क्या होता है आर नॉट माइनस आर बटा टी, टी हाफ क्या होता है आर नॉट बटा टू के। ये तीनों का डेरिवेशन पूछ सकता है हम लोग ने। तो जब डेरिवेशन पूछेगा तो शुरू से करना पड़ेगा, एकदम स्टार्ट से, आर गिव्स पी से लेकर के, है ना। उसके बाद आता है गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सर्फेस। अमोनिया को जब तोड़ रहे हैं प्लेटिनम का कैटलिस्ट यूज करके, तो एन एस थ्री को तोड़ेंगे तो एन टू प्लस थ्री एच टू, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो के इंटू रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट है अमोनिया एन एस थ्री। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका पावर कितना चढ़ेगा, जीरो पड़ेगा, है ना, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस। थर्मल मतलब हीट से तोड़ रहे हैं। हाइड्रो किस कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, आपको याद रखना है गोल्ड, कैटलिस्ट का नाम जरूर लिखना है ना। तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि R इज इक्वल टू जो K होगा इंटू एच आई का पावर कितना, जीरो चढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्राफ। ग्राफ बच्चों को तभी समझ में आएगा जब उन्होंने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन का क्या ग्राफ होता है, Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक होता है Y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। थोड़ा सा मैं क्लास 11th का मैथ बता रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आता है। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब कोई c होगा इंटरसेप्ट और ऊपर की तरफ कोई लाइन जा रहा है, तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। c का मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ के बीच में जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग c बोलते हैं, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं, यहाँ से एक लाइन बना लो, यहाँ से जो थीटा आएगा tan थीटा वो हो जाएगा उसका स्लोप। अगर कोई लाइन नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, याद रखना। कोई लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और नीचे की तरफ जा रहा है तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ मान लो तुमको बोल दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन मतलब r और t के बीच में ग्राफ बनाओ, किसके बीच में, r और t के बीच में। तो तुमको फॉर्मूला पता है, t इज इक्वल टू क्या होता है आर नॉट माइनस आर बटा के। टी और किसके बीच में बनाना है ग्राफ, आर के बीच में, है ना। टी किधर रहेगा, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के रहता है, फिजिक्स में पढ़े होगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है। तो ये तो एक्स एक्सिस वाला काम हो गया, और आर को वाई एक्सिस में रखना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, ठीक है।
हमको माइनस आर नहीं चाहिए, आर चाहिए, तो इस आर को इधर ले आओ, बाकी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नोट तो वही है माइनस के टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आर किधर की ओर है, आर वाई एक्सिस में लेना है, किधर लेना है, यहाँ वाई एक्सिस में, टी किधर लेना है, एक्स एक्सिस में, तो वाई इज इक्वल टू टी एक्स एक्सिस में लेना है, तो एक्स लिख दिए, एक्स के साथ जो भी रहता है उसको एम बोलते हैं, आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन में भी पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल में, कि एक्स के साथ जो भी रहता है उसको एम यानी स्लोप बोलते हैं, माइनस है तो माइनस, और जो बच गया उसको सी बोलते हैं, तो क्या ये वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ नहीं बन रहा, चलो साफ साफ करते हैं, है ना, टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बटा के है, तो के टी बराबर आर नोट माइनस आर हो गया, हम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, आर और टी के बीच में, आर किधर है, वाई एक्सिस में, तो तुमको आर एक तरफ कर लेना है एल एच एस में, बाकी सबको आर एच एस में भेज दो, तो आर को इधर ले आया और बाकी को इधर भेज दिया, तो आर इधर आ गया तो माइनस आर आर बन गया, और ये आर नोट माइनस के टी हो गया, आर वाई एक्सिस में तो वाई लिख दिया, टी एक्स एक्सिस में है तो टी एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी लगा रहता है वो एम रहता है स्लोप, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, के हो गया, ये ग्राफ का कौन सा फॉर्म दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू ये वाई है और ये एम, ये एक्स है और एम ये है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स और ये c है, माइनस एम एक्स प्लस सी दिख रहा है ना, माइनस एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या होता है, ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, प्लस एम एक्स प्लस सी का मतलब हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये तो पता चल गया कि ग्राफ जो है अगर जब भी हम लोग बनाएंगे किसके बीच में, r के बीच में और टाइम के बीच में, तो निगेटिव जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू होता है आर नोट, बस इतना याद रखना। अच्छा कभी कभी पूछ देते हैं कि इसका स्लोप का वैल्यू क्या होता है ना, स्लोप, तो स्लोप किसको बोलते हैं, जो x के साथ लगा रहता है, x के साथ मतलब टाइम के साथ, टाइम के साथ क्या लगा हुआ, k लगा हुआ है, मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ r एंड t इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, माइनस k, माइनस k का मतलब रेट कांस्टेंट। बच्चों दो चीज़ याद कर लो तुम लोग, कि जब भी हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ r और टाइम t का ग्राफ बनाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो वो निगेटिव आता है, ठीक है, और उसका स्लोप का वैल्यू माइनस के होता है, ये चीज़ तुमको याद रहना चाहिए, जेई में भी पूछा गया और सीबीएसई में तो पूछते हैं स्लोप क्या वैल्यू क्या होगा, आपको याद रखना ये जीरो ऑर्डर का स्लोप है ना। तो ये था, अब अपन को एक और ग्राफ पूछा गया, ये देखो सीबीएसई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जैक बोर्ड में जनरली ग्राफ नहीं पूछता है, एक बार पूछा है 2013 में, लेकिन फिर जल्दी पूछता नहीं, क्योंकि ये टफ पार्ट माना जाता है, ग्राफ बनाने के लिए आपको मैथ्स भी आना चाहिए क्लास 11th का, है ना, तो सीबीएसई में पूछते हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, रेट कांस्टेंट वाला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का ग्राफ, तो अब आते हैं हाफ लाइफ का ग्राफ में, तो हाफ लाइफ का ग्राफ में देखो कुछ भी चीज़ हो, फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि टी हाफ बराबर आर नोट बटा टू के होता है कि नहीं होता है, तो आर नोट बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर नोट बराबर हो जाएगा 2k इंटू टी बाई टू, ठीक है, आर नोट वाई एक्सिस में लेना है तो ये y बन गया, t हाफ x एक्सिस में लेना है x बन गया, x के साथ जो भी लगा रहता है m, c है नहीं तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स, देखो अगर c रहता प्लस c तो किसी इंटरसेप्ट से ऊपर जाता है, और अगर सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स है माने c नहीं है तो ओरिजिन से ऊपर जाएगा, है ना, तो इसका ग्राफ क्या जाएगा, ओरिजिन से ऊपर जाएगा। अब बात आता है स्लोप का वैल्यू, तो बाबू ये x है ना, हाँ x एक्सिस में है, तो x के साथ जो भी लगा रहता वही स्लोप होता, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, 2k हो गया, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, काफ़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास था, क्योंकि इसमें जो डेरिवेशन है वो रटने वाला नहीं है, पूरी तरीके से मैथमेटिकल है, पहले तो डेरिवेशन में इंटीग्रेशन का भी यूज है, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्लास 11th का मैथ्स का भी यूज है ना। तो यहाँ पर इससे पता चला कि जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ते थे सीबीएसई वाले, तो एक बताया जाता था चैप्टर बेसिक कंसेप्ट में मैथमेटिक्स एज अ टूल, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता मैथमेटिक्स एज अ टूल, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता मैथमेटिक्स एज अ टूल, मतलब मैथमेटिक्स क्या है, मैथ एक औजार है जो कि हर जगह यूज होता है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे कहीं भी हो, है ना, इवन बायो में भी कहीं कहीं यूज हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिजक पूछ सकते हो।